आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव m-nitroaniline बिकॉज। सो हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है एनिलीन, इसके हमें नाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवानी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर। सो इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है हमारे पास m-nitroaniline। सो ये m-nitroaniline क्यों बनता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एनिलीन कंपाउंड दे रखा है उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर इसके अंदर एक बेंजीनिंग होगी और इसकी वन पोजीशन पर एक NH2 ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमारा कंपाउंड एनिलीन हो जाता है। अब हमें इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन करानी है और नाइट्रेशन रिएक्शन जो है वन ऑफ द एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और ये जो रिएक्शन होती है वो HNO3 प्लस H2SO4 के मिक्सचर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो नाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवा देते हैं, क्योंकि HNO3 और H2SO4 जो मिक्सचर है एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है और नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही नाइट्रेशन रिएक्शन करवा पाता है। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन जो करवानी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करवानी है। सो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम मतलब H+ ion प्रोवाइड करवाएंगे और नाइट्रोजन आइटम के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और H+ ion जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के अंदर हमने प्रोवाइड करा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करा सकता है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे तो एनिलीन कंपाउंड जो हमारा अभी तक दिया हुआ था हमारे रिएक्टेंट के अंदर वो एनिलीनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यह नाइट्रोजन आइटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा ना कि डोनेट, जैसे कि एनिलीन कंपाउंड के अंदर होना था। सो ये जो हमारा कंपाउंड बना पड़ा है इस समय एनिलीनियम आयन बना पड़ा है और एनिलीनियम आयन जो है एक इस समय एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा ना कि इंक्रीज, जैसे कि हमारा यहाँ पे एनिलीन कंपाउंड के अंदर हो रहा था जब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था बेंजीनिंग को, बेंजीनिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता था। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन करवानी है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पे रिएजेंट कंसिडर करे थे HNO3 और H2SO4। सो ये दोनों कंपाउंड सबसे पहले आपस में रिएक्शन करते हैं और जनरेशन करते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल का, तभी वो हमारे एनिलीनियम आयन के साथ रिएक्शन कर पाएगा जिसके अंदर बेंजीनिंग प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे पाता है। सो HNO3 H2SO4 जनरेशन आपस में रिएक्शन करेंगे, जनरेशन करेगा एक ऑक्सोनियम आयन का सबसे पहले। सो ये हमारा ऑक्सोनियम आयन और साथ में HSO4 नेगेटिव आयन। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है तो ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल सकता है और अगर वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास जनरेशन हो जाता है एक नाइट्रोनियम आयन का जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन रिएक्शन का। सो हमें एनिलीनियम आयन की रिएक्शन करवानी है नाइट्रोनियम आयन के साथ। सो इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिसाइड करेगा हमारा एनिलीनियम आयन जो प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सबसे ज़्यादा विड्रॉ करता है तो इसका मतलब इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मोर न्यूक्लोफिलिक साइट मतलब कि इसकी मेटा साइट जो होगी उसके ऊपर जाके सब्स्टिट्यूट होगा और नाइट्रेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करवा के प्रोडक्ट जनरेशन कर देगा। सो ये हमारा जनरेशन हो गया एनिलीनियम आयन का और इसकी मेटा पोजीशन पे एक NO2 ग्रुप आ जाएगा और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं m-nitroaniline compound। अब हमने जो H+ ion स्टार्टिंग में डाला था वो यहाँ से बाहर भी निकलेगा क्योंकि वहाँ पे हमने एज एन कैटलिस्ट की फॉर्म में जनरली H+ ion यूज़ होता है तो जब ये H+ ion बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास दोबारा से जनरेशन हो जाएगा एक m-nitroaniline कंपाउंड का ही। सो यहाँ बन जाएगा NH2 और NO2। सो ये हमारा कंपाउंड हो गया m-nitroaniline जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सो यहाँ पे इसका रीज़न क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन वन कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू मेटा पोजीशन, बट यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, बट हमें ये पता है कि अमीनो ग्रुप के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो वो ऑर्थो पेयर डायरेक्टिंग होता ना कि मेटा डायरेक्टिंग, इस वजह से ये भी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होने की वजह बावजूद भी नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे जाता है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि एनिलीनियम आयन का जनरेशन हो जाता तभी वो m-nitroaniline कंपाउंड बना सकता था, इस वजह से ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 11-12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।